नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे कोरोना के एक नए वेरिएंट के बारे में, जिसके आने के बाद लोगों के मन में यानी कि चेहरे पर जो है एक बार फिर से शिकन उत्पन्न हो गई है। और इस नए वेरिएंट का नाम है IHU। भारत समेत पूरे देश में इस समय कोरोना महामारी की चपेट में है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रोन से पूरा देश लड़ रहा है। ऐसे में कोविड का एक और नया वेरिएंट IHU ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि IHU को समझने के लिए लगातार शोध हो रहे हैं। यह भी बता दें कि नया वेरिएंट फ्रांस से मिला है। बताया जा रहा है कि वायरस समय के साथ म्यूटेंट करते हैं और विभिन्न स्ट्रेन उत्पन्न करते रहते हैं ताकि वो जीवित रह सकें। अब कोरोना के मामले में भी यही बदलाव देखने को मिल रहा है। जी न्यूज के वेब संस्करण में मिरर अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब वायरस अपने नए रूप में सामने आता है तो उससे लड़ना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि उस पर वो ट्रीटमेंट और वो वैक्सीन असर करे ही, जो पिछले वाले वेरिएंट पर काम कर रहा था। ऐसे में कुछ भी कहा जाना मुश्किल होता है। इस दौरान यह भी आशंका होता है कि नया वेरिएंट पुराने वाले वेरिएंट से कहीं ज़्यादा संक्रामक न हो। ऐसे में अब सवाल लाजमी है कि IHU कितना खतरनाक है और इसमें कितना डरने की जरूरत है। इधर दक्षिण फ्रांस के मैसो के शोधकर्ताओं ने IHU वायरस के बारे में पता लगाया है। बता दें कि फ्रांस के एक अस्पताल में 12 संक्रमित मिले थे। बता दें कि संक्रमितों में 7 वयस्क और 5 बच्चे हैं। शोध में यह भी पता चला कि इस वेरिएंट के 46 म्यूटेंट हैं, जो कि ओमिक्रॉन की तुलना में ज़्यादा हैं। इधर विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस के इस वेरिएंट को लेकर ज़्यादा कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं माना है। इसको लेकर जारी शुरुआती रुझानों को देखें तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न होने की संभावना कम दिखाई देती है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इस वेरिएंट को लेकर ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह भी कहना कि अब तक के रिसर्च के अनुसार कोरोना के इस वेरिएंट को लेकर ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। यह ओमिक्रॉन से पहले का है, जिस पर अब दुनिया का ध्यान गया है। जहाँ तक IHU के लक्षणों की बात है, तो अध्ययन में जो बात सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि जो पहला व्यक्ति इससे संक्रमित हुआ था उसमें केवल हल्के श्वसन लक्षण विकसित हुए थे। आधिकारिक तौर पर इसकी पहचान B.1.640.2 के रूप में की गई थी। यह वेरिएंट पहली बार नवंबर में फ्रांस में सामने आया था और जो व्यक्ति सबसे पहले इससे संक्रमित हुआ था वह कैमरून की यात्रा से लौट कर आया था। इधर वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वेरिएंट के पास परेशानियां फैलाने का खूब मौका है, लेकिन सौभाग्य है कि अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। वहीं अमेरिकी महामारी वैज्ञानिकों की टीम का कहना है कि वायरस के नए वेरिएंट समय समय पर सामने आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वेरिएंट खतरनाक हो। ऐसे में हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम सभी को कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना चाहिए। मास्क हमेशा लगाना चाहिए। समय समय पर हाथ धोएं। ज़रूरत हो तो बाजार ही जाएं, ताकि हम कोरोना से बच सकें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।